हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं शिवाजी साइंस कॉलेज नागपुर इस कॉलेज के बारे में, जिसका जो पूरा नाम है वो है श्री शिवाजी एजुकेशनल सोसाइटीज़ अमरावती साइंस कॉलेज नागपुर। तो इस कॉलेज के बारे में हम सारी जानकारी देखने वाले हैं, जैसे फ्रॉम कोर्सेज, फी स्ट्रक्चर्स, हॉस्टल्स, कट ऑफ्स क्या है और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक देखना गाइस, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको देखने मिले और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शिवाजी साइंस कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था गाइज 1967 में, तो ये काफ़ी पुराना कॉलेज है। ये एक्रेडिटेड है A+ ग्रेड से और एफिलेटेड है फ्रॉम RTMNU, जो राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी है उससे। और अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस कॉलेज में जूनियर कॉलेज है उसके बारे में। तो आप यहाँ पे 11th 12th कर सकते हो, बट उसके लिए आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा 10th में, क्योंकि यहाँ के जो कट ऑफ्स है वो बहुत ही हाई जाते हैं। तो देखिए फ़ी स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, तो अगर आपको जनरल साइंस करना है तो आपको 1160 रुपये यहाँ पे देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ करना है तो 1780 रुपये यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जनरल साइंस विद संस्कृत तो 3260 रुपीज़ देना पड़ेगा। जनरल साइंस विद IT फिर आपको देना पड़ेगा 9060 रुपीज़। जनरल साइंस मतलब एक्साइडेड फिशरीज़, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको मिला के होते हैं 17145। और जनरल साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और संस्कृत उसका होता है 10,000। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर इस कॉलेज के है, तो आपको जो सब्जेक्ट चाहिए तो उस हिसाब से आप यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर की फ़ीस देख सकते हो। बट याद रखना कि आपको 10th में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपको ये कॉलेज मिलेगा। और अगर आपकी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो थोड़ा कम करना पड़ेगा, बट अगर आप ओपन से हो तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा 10th में, तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। अब हम बात करेंगे सीनियर कॉलेज के कोर्सेज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे BSc के बारे में। तो आप यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स में BSc कर सकते हो, जैसे PCM में, PEM में जी मतलब फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिर फिज़िक्स कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स, फिर केमिस्ट्री जूलॉजी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री बॉटनी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी, फिज़िक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी, केमिस्ट्री जियोलॉजी मैथमेटिक्स। तो इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप यहाँ पे BSc के कोर्सेज कर सकते हो। तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे BSc कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं BSc के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे फीस दो टाइप की है, तो फॉर ग्रांटेड ब्रांचेस, तो कुछ ब्रांचेस जो ग्रांटेड है उनकी फ़ीस कम है, उनकी फ़ीस है ओपन के लिए 4,300 रुपीज़, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए 1,300 रुपीज़, और जो नॉन ग्रांटेड ब्रांचेस है उनके लिए है 12,000 रुपीज़। तो ये दो अलग अलग फीस है ग्रांटेड और नॉन ग्रांटेड के लिए। तो अगर आपका नंबर नॉन ग्रांटेड में लगता है तो आपको 12,000 भरना पड़ेगा, और अगर ग्रांटेड में लगता है तो जो आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको पैसे पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको BSc नहीं करना है, BCA करना है, जिसका मीनिंग होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसका इनटेक 120 स्टूडेंट्स का है, ड्यूरेशन 3 ईयर्स का है, और फ़ी स्ट्रक्चर जाता है 15,000 से 20,000 के आसपास। तो ये कोर्स भी अच्छा है, ये भी आप इस कॉलेज से कर सकते हो। आफ्टर ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे MSc हो गया, MCA हो गया, बट वो मैंने मेंशन नहीं किया। अगर आपको वो जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। इस कॉलेज में हॉस्टल्स भी अवेलेबल है, बट ये सारे हॉस्टल्स बस फीमेल्स के लिए अवेलेबल है। तो बॉयज़ को अगर यहाँ पे रहना है तो बाहर रूम लेके ही रहना पड़ेगा। हॉस्टल की जो फ़ीस है वो है 10,000 रुपीज़, जो कि एक बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस है। और जब मैंने हॉस्टल के रिव्यूज़ पढ़े थे तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ का फूड अच्छा है और फैसिलिटीज़ अच्छे है, बट हॉस्टल का फूड तो आपको पता ही रहता है कि कैसे होता है, 2-3 महीने बाद वो बोर हो ही जाता है। बट हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो रहती है वो मैटर ज़्यादा करती है, तो वो अच्छी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप हॉस्टल भी ले सकते हो। तो अगर कट ऑफ्स के बारे में हम इस कॉलेज की बात करते हैं, तो कट ऑफ्स इस कॉलेज की हाई जाती है। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, आपको 70-80 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप ओपन में से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका थोड़ा कम में भी हो सकता है, बट कट ऑफ्स के लिए तो कैटेगरी हमें पता रहना चाहिए, तभी हम किसी के कट ऑफ्स के बारे में बता सकते हैं अच्छे से। तो अगर आपको कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो गाइज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले। और ज़रूर मेंशन कीजिए कोई क्वेरीज़ होगी आपकी, या फिर कोई भी क्वेश्चंस होते हैं इस कॉलेज से रिलेटेड या फिर अदर कॉलेज से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर दूंगा।